नगर निगम भिलाई में शुक्रवार को महापौर नीरज पाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया। इस बार शहर के विकास के लिए 76,035.3 लाख रुपए का बजट बनाया गया। इससे ही निगम के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किया जाएगा। भिलाई निगम के सभागार में बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में महापौर नीरज पाल ने एक एक कर शहर के विकास का प्लान बताया। शुक्रवार को ध्वनिमत से लाभ का बजट पेश किया गया। महापौर ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिना राज्य शासन के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। नगर निगम में जो आय होता है वह कर्मचारी और स्टेबलिश्ड में ही खर्च हो जाता है। इस वर्ष युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। युवाओं को अब दूसरे राज्यों में काम के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। अब छत्तीसगढ़ में ही BPO के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का आधुनिकीकरण किया जाएगा। महापौर ने यह भी बताया कि विपक्ष लगातार हंगामा शोर शराबा करता रहा, उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। ऑडिटोरियम, बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग सेंटर, राजीव युवा मितान क्लब, महिला सशक्तिकरण के लिए मदर मार्केट, दाई दीदी मेडिकल यूनिट, सड़कों का विकास एवं सौंदर्यीकरण, मांगलिक भवन जोन क्रमांक 3 बैकुंठ धाम के क्षेत्र में सर्वसुविधा, मिशन ग्रीन, भिलाई शहीदों का सम्मान, सभी निगम जोन क्षेत्रों में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण, पानी के लिए नए ओवरहेड टैंक का निर्माण, वाटर ATM, स्वच्छता सर्वेक्षण, पेवर ब्लॉक शहरों में तालाबों की साफ सफाई, स्मार्ट हेल्थ तारामंडल का निर्माण, स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लैब व कई अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए अलग से मद रखा गया। महापौर नीरज पाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नगर निगम को विशेष मद देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए, आज का जो बजट था ये समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्गजन हो या आम आदमी, कोई भी जो शहर में इस नगर निगम क्षेत्र में रहता है उसकी सुविधाओं को ध्यान में रख के, उसकी जो रोज़मर्रा की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर ये बनाया गया था। और इस पे चर्चा 11 बजे आज बजट बैठक प्रारंभ होनी थी, लेकिन आपने देखा, आप लोग सब वहाँ मौजूद थे सदन में, आपने देखा है कि बजाय बजट बैठक पे बात करने के, बजट बैठक की एक परंपरा रही है कि बजट बैठक में सिवाय बजट के और कोई विषय पे बात नहीं होती, लेकिन विपक्ष के पार्षदों द्वारा बजट बैठक प्रारंभ होने से पहले ही सभापति को लेकर जो बयानबाजी और जो हो हल्ला हो रहा था वो आप लोगों ने सबने देखा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बजट पे ये चर्चा पहले से मानसिकता से आया था कि हमको बजट पे शहर के विकास, जिसमें शहर के विकास को लेकर आने वाले वर्ष में जो योजनाएं थी उस पर बजाय चर्चा करने की, सिर्फ हंगामा करने की नीयत से ये पहुँचे थे। ये आप लोगों ने देखा है कि बजट बैठक शुरू होने के पहले हुआ। जहाँ तक समय की बात है, इसी उहापोह में, इस हंगामे में 10-15-20 मिनट खराब जरूर हुए, लेकिन जो बजट अभिभाषण जो मेरे द्वारा माननीय हमारे सभापति के आदेश पर जो मैंने सदन में, सदन के पटल में जो अगले 2023-24 को लेकर जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हम लोग आने वाले वर्ष के लिए बना सकते थे, उन सब योजनाओं को इसमें सम्मिलित करके मैंने वो सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। जैसे ही बजट प्रस्तुत हुआ तो इस बजट पर चर्चा करने की बजाय वो इधर उधर की बातें, ये पिछले साल ऐसा था, उसके पिछले साल ऐसा था। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैंने कोशिश की कि सदन में विपक्ष के पार्षदों को मैं जवाब भी दे सकूं, लेकिन वो सुनने को भी तैयार नहीं थे, ये भी आपने देखा है। बजट जो हमारा नगर निगम का होता है ये पूर्ण तरह से काल्पनिक होता है, क्योंकि नगर निगम का जो बजट है ये बजट जरूर कहा जाता है, लेकिन ये एक हमारे आने वाले फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं का एक हमारी बुक होती है कि हम क्या करेंगे, और हम शहर के विकास के लिए पूरी तरह से अपने राज्य शासन और केंद्र शासन पर डिपेंड रहते हैं। वहाँ से विभिन्न मदों में जो पैसा आता है उसी से ही मूलतः मुख्यतः शहर का विकास होता है, क्योंकि नगर निगम की अपनी आय से नगर निगम का जो स्थापना व्यय है, जो स्थापना व्यय में जैसे कर्मचारी अधिकारियों का वेतन भत्ते, यहाँ का पानी का बिल, बिजली का बिल, जो शहर का जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उसी में जो हमारे जो निगम की अपनी आय है वो पूरी हो जाती है। बजट, मैंने पहले भी कहा कि नगर निगम का बजट काल्पनिक होता है, हम बहुत सारी योजनाओं को ध्यान में रखकर ये बजट पुस्तिका बनाते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से अपने राज्य शासन और केंद्र शासन के मदों पर निर्भर होते हैं।
जिस मदों में हमको ऐसा अनुमानित उसका होता है, मैंने आपने आप लोग अभी सदन में थे, आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने बताने की भी कोशिश की है वहाँ पे कि सदन के अंदर मैं बताना चाहता था लेकिन कोई भी विपक्ष का पार्षद सुनने को तैयार नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो योजनाएं हम इस बजट बुक में लाते हैं ये इसका आधार रहता है पिछले 2-3 सालों का। आप देखेंगे इसमें जो कॉलम है उसमें भी 2022-23, 2021-22 ये सब उल्लिखित होता है कि वहाँ उस समय कितना बजट था, वास्तविकता में कितना आया। जैसे आज की जो बजट पुस्तिका है उसमें आप देखेंगे पिछले 3 सालों का उसमें अनुमानित और वास्तविक संशोधित तीनों कॉलम दिया हुआ है। उसका ये अगर समझेंगे, बजट को अगर पढ़ना चाहेंगे तो उसमें क्लियर है कि पिछले 3 सालों को ध्यान में रखकर पिछले 3 सालों में जो शासन से हमको पैसा मिला है, हम बजट अनुमान करते हैं लेकिन जो हमारा जो प्रस्तावित है उसके बाद संशोधित होता है और फिर वास्तविक होता है। जैसे इस साल का जो अभी मार्च तक का हमारा वास्तविक बजट हमको अभी जो जिस आज 31 तारीख को हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है, तो एक हफ्ता पहले जिस दिन महापौर परिषद में आयुक्त द्वारा बजट दिया गया था, लगभग 20 मार्च के आसपास की बात है, तब तक का वास्तविक जो खर्चा था वो उसमें था, बाकी के लिए अनुमानित था। तो बजट हमेशा अनुमान पे होता है और जितना मद हमको स्वीकृति मिलती है उस पे होता है। बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो हम फंड की वजह से नहीं कर पाते हैं, उसको हम आने वाले सालों में रखते हैं। ये प्रक्रिया सतत रहती है और ये लगातार जारी है। इसमें ये समझना सबको चाहिए और मैं सोचता हूँ समझते भी हैं, लेकिन जिनका उद्देश्य सिर्फ व्यवधान करना है, हंगामा करना है, तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। मैंने लगातार 2-3 बार कोशिश की समझाने की, लेकिन वो जब जो प्रश्न करते थे, जब मैं जवाब देने लगता था तो दूसरा प्रश्न खड़ा करने लगते थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो बजट पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो सत्ता पक्ष ने अनुरोध किया सभापति जी से कि जब बजट पुस्तिका बात नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग बजट पे बात करना चाहते हैं, अगर ये उस पर चर्चा करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, अपना सुझाव दें, चर्चा करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो विषय से हट के बात कर रहे थे, इसलिए हमने बहुमत के आधार पर बजट को पारित कर। ये तो कांग्रेसियों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लड़ाने का और दिल भ्रमित करने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन निश्चित तौर पे आज यहाँ पर लड़ाई भ्रष्टाचार के थे और जिस तरह का पिछले समय बजट और इस बार के बजट के अंदर में इन्होंने कम किया और जिस तरह से वो जो बातें रखी और जिस चीज़ों को विकास की बात कहे तो विकास में इनकी चिड़िया नहीं दिख रही, इस सब का हम लोगों ने विरोध किया। अब इन्होंने कई बातों को रखने, आप देखें एनवायरमेंटल कोड गिर गया, उसमें कहीं नहीं सिर्फ एक इंजीनियर सच में, बाकी लोग कहाँ गए? अटल आवास के नाम पर लोग पैसा खा जाते हैं, वो लड़का आज तक कहाँ है? डायरिया पे 2 मौत हो जाती है, वो मौत का जिम्मेदार कौन है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें किसी प्रकार का ना करके सिर्फ बहुमत के आधार पर उन्होंने पास किया और बहुमत के आधार पर उन्होंने पास किया। किसी प्रकार कोई गुट नहीं, हम लोग का एक ही गुट है, वो भारतीय जनता पार्टी का गुट है। हम लोग पार्टी के बैनर तले और पार्टी के सिपाही हैं और कोई बड़ा छोटा नहीं, हम सब समान रूप से एक है और निश्चित तौर पर एक होकर एक लड़ाई लड़ते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, कांग्रेसों के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। वो तो सिर्फ कांग्रेसों ने बोलने नहीं दिया, नहीं तो भाजपा ही इसकी तैयारी करके आए थे और पूरी बातों को रख के सिर्फ इंजीनियर एक सस्पेंड हुआ और बाकी लोग कहाँ गए? इसके पीछे कौन है और किसके तालमेल जुड़े हुए हैं? सब कुछ देखिए, हम लोगों ने पूरी व्यवस्था के साथ भेड़ा था। पूर्व में भी 22-23 में महापौर जी के द्वारा 712,48,81,000 रुपये का बजट पास किया गया था और जब वो वास्तविकता की आड़ में आया तो उसको देखा गया मात्र 400 करोड़ रुपये आया है, 300 करोड़ की काल्पनिक क्या है ये महापौर जी। और जब बात करो उनसे कि शहर के विकास की, तो आपके द्वारा नागरिक सुविधा के लिए पेयजल ATM बनाने की बात कही थी, एक अभी बच्चा बता दीजिए वहाँ बैकुंठ धाम वैशाली नगर क्षेत्र में एक भी कहीं वाटर ATM लगाया। तो सीवरेज सिस्टम की बात किए थे, मार्गों का क्षतिग्रस्त की बात की थी, शिक्षा को लेकर बात की थी, ऐसे 10 ठोक है जो मैं आपको काफ़ी दूंगा, जिसमें महापौर जी के द्वारा 700 करोड़ की काल्पनिक को काल्पनिक ही रख दिया है और इस पूरे शहर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और जहाँ स्लम क्षेत्र के बच्चे, जहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले बच्चे, उस बच्चे डायरिया से और डेंगू से मर रहे हैं और जिस प्रकार से इन्होंने हमें कुकृत करने का कार्य करवाया, हमको मिक्सी देने का काम किया है, उस मिक्सी में जितना भी जूस निकलता है, जैसे शहर का जूस निकाल करके इन लोगों ने पी लिया, शहर को खोखला और कंगाल कर दिया है। नगर निगम के पास आज नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पार्षदों को और प्लेसमेंट के कर्मचारियों को पैसा देने के लिए पैसे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड ACN न्यूज़।